हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैं पर ब्रह्म की शक्ति रूपा हूँ दुर्जय, और मूर्ख तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि मेरे ऊपर ही अपनी तुच्छ शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी, न रहेगा बीज, न पनपेगा पौधा, न रहेगी धरती, न रहेंगे लोग, रहेगा सिर्फ दुर्जय। अधर्मी, तुम्हारा दुराचार चरम सीमा पार कर चुका है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। वैष्णवे, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है स्वामी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं एक पल के लिए भी विष्णु का वियोग नहीं सहन कर सकती। नारायण नारायण। परंतु महारानी, पृथ्वी लोक का यही नियम है, जहाँ योग है वहाँ वियोग भी है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। शुभम भवतु। महारानी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। माता महालक्ष्मी ने तो दुखी पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए ही वैष्णवी के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया है, और आप स्वयं आंसू बहा रही हैं। ये आंसू नहीं है देवर्षि, ये तो माँ की ममता है। नारायण नारायण नारायण, ये ममता नहीं है महारानी, माया है, माया जिसके अधीन आप दोनों हो गए हैं। नहीं देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महारानी, वैष्णवी का जन्म तो जगत कल्याण के लिए हुआ है। यदि आपने उसे अपनी ममता की श्रृंखला में बंदी बनाया तो विश्व का मार्गदर्शन कौन करेगा? दुर्जय जैसे दुराचारी दुरात्माओं का संहार कौन करेगा? अधर्म की बढ़ती आंधी को कौन रोकेगा? हमसे भूल हो गई महर्षि, माता महालक्ष्मी का साक्षात्कार होने के बाद भी हम मोह माया के अधीन हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। आप दोनों वैष्णव के बारे में चिंता मत कीजिए, माता वैष्णवी ब्रह्म स्वरूपिणी सृष्टि संचालिका है, शक्ति का स्रोत और प्रेरणा है। यदि राक्षस राज दुर्जय ने माता वैष्णवी का सत्य स्वरूप अपने अंतर चक्षु से नहीं देखा तो आज सूर्यास्त के पहले उसका विनाश निश्चित है। वो देखिए राजन, वो देखिए रानी।
दुर्जय का अंत देखने के लिए सूर्यदेव भी अस्त होते होते रुक गए हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभम भवतु। महारानी सुरुचि, वैष्णव आ रही है, वैष्णव आ रही है, और वो स्वयं अपनी मृत्यु के समीप आ रही है, और मैंने उसके स्वागत के लिए दुष्ट बुद्धि, सुबाहु और विकराल को भेज दिया है। वैष्णवी आ रही है, जंगल का यही मार्ग वैष्णवी का स्मारक खड़ा करने के लिए उचित है। देखो, देखो रथ हमें देख कर रुक गया। ये बच्ची तो मायावी है, इसकी माया के साथ हम इसे नष्ट कर पाएंगे। मातेश्वरी, दुर्जय के अज्ञानी साथी साक्षात महामाया पर अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि वो स्वयं महामाया की माया के प्रभाव में आ गए हैं। मैया नारायण नारायण। हे मायाविनी, तुमने मेरे मित्र विकराल का वध कर दिया। हाँ सुबाहु, क्योंकि विकराल की आयु समाप्त हो चुकी थी और तुम्हारी आयु समाप्त होने में कुछ ही पल शेष रह गए हैं। मुझे भयभीत करना चाहती हो? नहीं, मैं तो तुम्हें शाप ताप पाप से माया मोह से मुक्त करना चाहती हूँ। मुक्त तो मैं करूँगा तुझे इस जीवन से। जाओ दुष्ट बुद्धि, दुर्जय से जाकर कहो यदि उसने सूर्यास्त होने से पहले सभी बालिकाओं को मेरे हवाले नहीं किया तो उसके जीवन का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मातेश्वरी, जिस खेल को दुर्जय ने आरंभ किया था उसी खेल को अब वैष्णो देवी अंत की ओर आगे बढ़ा रही हैं। धन्य है वैष्णो देवी। असुरराज, असुरराज। सेनापति संक्षूर, महामंत्री शंकराल, दुष्ट बुद्धि आ गया। आपको अंतिम प्रणाम करने आया हूँ। अंतिम प्रणाम? क्या मतलब है तुम्हारा? वैष्णवी के हाथों मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। परंतु वैष्णवी का क्या हुआ? कहाँ है वो? वैष्णवी? हाँ, मैं ही वैष्णवी हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तब मैं उसकी पुकार सुनकर उसके पास चली आती हूँ। तुमने भी मुझे पुकारा था ना,
इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। परंतु तुम हमारे राजमहल में प्रवेश कैसे कर गई? कौन रोक सकता है मुझे? मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हूँ। विश्व का संचालन मैं ही तो करती हूँ। दुर्जय, मैं धर्मात्माओं की रक्षा करती हूँ और दुरात्माओं का नाश करती हूँ। तुमने तो स्वयं अपनी मृत्यु को पुकारा है। इतनी सी बालिका होकर इस ससुरेश्वर दुर्जय को मृत्यु से डरा रही हो? मैं तुम्हें क्षमा भी कर सकती हूँ। तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी आ रही है। दुर्जय, जिन बालिकाओं का तुमने अपहरण किया है उन्हें मेरे हवाले कर दो। दुर्जय, धर्म के रास्ते पर लौट आओ दुर्जय, और आदिशक्ति माता की शरण में जाओ। दुर्जय, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु के हवाले कर दूंगा। मातेश्वरी, माता वैष्णो ने दुर्जय को सारे पाप धोने का एक अवसर प्रदान किया था, परंतु मूर्ख दुर्जय ने उस अवसर को भी खो दिया है। मैया देवर्षि, जब विनाश काल समीप आता है तब मति भ्रष्ट हो ही जाती है। दुर्जय की भी यही दशा है। वैष्णो ने बार बार अपने सत्य स्वरूप का परिचय कराया, फिर भी दुर्जय की आंखों पर छाया अहंकार का पर्दा नहीं हटा। वैष्णवी, अब तुम अपने आप को मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकते। मायाविनी, तुम अपनी माया से मुझे भ्रमित करना चाहती हो, किंतु मैं स्वयं महान मायावी हूँ। देखो मेरा चमत्कार, सावधान। महामंत्री शंकाल, तुम भी जीवित नहीं बचे। वैष्णवे, तुम अब भी जीवित हो। मूर्ख, मैं तो अजन्मा हूँ, जन्म मरण से एकदम परे हूँ, परंतु तुम मृत्यु से परे नहीं हो, तुम एक नश्वर प्राणी हो। मैं अमर होना चाहता हूँ, और तुम्हें खत्म करके मैं अमर हो जाऊंगा। तुम मृत्यु लोक के वासी हो, तुम कदापि अमर नहीं हो सकते। हर नश्वर प्राणी की भांति तुम्हारा भी अंत समय आ गया है। नहीं, अब भी तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा। वैष्णवी, तुम्हारी नन्ही सी हथेली में समस्त संसार की शक्तियों का भंडार कहाँ से आ गया? मैं पर ब्रह्म की शक्ति रूपा हूँ दुर्जय। और मूर्ख, तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि मेरे ऊपर ही अपनी तुच्छ शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बीज, न पनपेगा पौधा, न रहेगी धरती, न रहेंगे लोग, रहेगा सिर्फ दुर्जय। अधर्मी, तुम्हारा दुराचार चरम सीमा पार कर चुका है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। वैष्णवे, ओ
हे जगदीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। आपने दुर्जय जैसे राक्षस का वध करके पृथ्वी पर पाप का भार कम कर दिया है। हे मातेश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। आप ही का अनुग्रह होने के कारण मैं इस जगत की सृष्टि करता हूं। भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और संहार के अवसर पर महादेव शिव शंकर उस सृष्टि का नाश करने में सफल होते हैं। हे जगदम्बे, इस संपूर्ण जगत को आप ही ने आश्रय दिया है। हे महामाया आदिशक्ति माता, आप ही मूलाधार में भूरूप में हो, अधिष्ठान में भूवरूप में हो, मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा में स्वह मह तप और जनह रूप में हो, और सहस्त्रार में सत्य रूप में हो। आप ही अखिल विश्व हैं। हे मातेश्वरी, आप ही नारायणी हो, आप ही वैष्णवी हो। आपके वैष्णवी रूप को मेरा बार बार प्रणाम। हे महादेवी माता वैष्णव, राक्षस राज दुर्जय का वध करके आज आपने समस्त पृथ्वी लोकवासियों को संकेत दिया है कि अधर्म और अधर्मियों से उनकी रक्षा करने और उनका उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है। धन्य है आप मातेश्वरी, धन्य है। राजकुमारी वैष्णवी आ गई। वैष्णव, वैष्णव, वैष्णवी आ गई। अरे, ये तो राजकुमारी वैष्णव का रथ है। वैष्णव आ गई महाराज, देखो वैष्णव आ गई। हाँ विजया, वैष्णव आ गई। वैष्णव आ गई, वैष्णव आ गई। तब तो वो मेरी पुत्री को भी साथ लाई होगी। मेरी पुत्री आ गई महाराज। केवल पुत्री ही नहीं है वो हमारे लिए, हम उसके भक्त भी तो हैं। अब हम अपनी पुत्री में अपनी माता के दर्शन करेंगे और अपनी माता में अपनी पुत्री को देखेंगे। हाँ चलिए महाराज, चलिए। चलो सारथी। वैष्णवी की जय। 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 माता 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 वैष्णवी की जय। हे देवी वैष्णवी, आपने नगर की तड़पती माताओं की ममता को तृप्त करके जो हम पर उपकार किए हैं उसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकेंगे। दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होने से अपना दुख कम होता है।
देवी वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। माता वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। वैष्णो, मेरी वैष्णो। हमें तुम पर गर्व है वैष्णो। ये सब तुम्हारी कृपा है वैष्णो। ये सब माता महालक्ष्मी की कृपा है। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के ही कारण हूँ। वही तो इस सृष्टि का मूल कारण है। वैष्णो, वैष्णो, हे वैष्णो, हम तो केवल माता हैं, परंतु आप तो जगत माता हैं। आपने हमारी ममता की रक्षा की है। निसंदेह आप देवी हैं, साक्षात जगत माता महालक्ष्मी का अवतार हैं। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अपने इस अनमोल उपहार को संभालिए। हे देवी माँ, अब मैं अपनी पुत्री को आपकी कृपा मानूंगी और इसे वैष्णव कृपा कहकर पुकारूंगी। वैष्णव माता की जय। वैष्णव देवी की जय। देवी वैष्णवी की जय। माता वैष्णवी की जय। देवी वैष्णवी की जय।